अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं कोफ्ता करी। कोफ्ते बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आए। ये मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा मैंने ले के उसको पहले धो के अच्छी तरह से उसको निचोड़ लिया था। फिर उसको मैंने कुंडी में डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने कूट के इसको इस तरह से इसके रेशे नरम कर लिए। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये एक बड़ी वाली प्याज जो है उसको मैंने कुंडी डंडे में कूट के इसको मैंने इसका पानी निचोड़ दिए। अब हम इसमें मिक्स करते हैं, ये वाली प्याज डाल देंगे। ये प्याज मैंने डाल दी और अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है इसका पेस्ट, ये एक खाने वाला चम्मच जो है ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब इसमें हम डालते हैं ये चने जो होते हैं ना, चने भुने हुए चने, उनका पाउडर होता है, बना लें आप घर में उसका चम्मच, ये एक और ये दो चम्मच इसमें आप चनों का पाउडर जो है वो डाल दें। कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून, इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देते हैं। हाँ, अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह आटे को गूंदते हैं इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में सब चीज़ ये कर सकते हो, उसमें डाल के पहले तो उनको एक ही दफ़ा डाल के इसको अच्छी तरह से इसको चॉप कर लें अच्छी तरीके से। इस तरह से अगर आपके सही हो तो ठीक है, वरना इसको कुंडी डंडे में हम डाल के इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। मज़ीद ये मैं हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला जो पिसा हुआ है वो डाल देते हैं उसमें, और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखें जी, ये मटेरियल तैयार हो गया। अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। थोड़ा सा हाथ को पानी लगा लेना है पहले आपने, इस तरीके से आपने इसके बॉल बना लेने छोटे छोटे से। आप ये बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी बना लें, छोटे बना लें, बड़े बना लें, ये आपके आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से हम सारे जो हैं कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से बनाते जाना है। ये सारे जब कोफ्ते तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। जी नाज़रीन, अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने पहले चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई को। अब इसमें ऑयल डाल देता हूँ। अब हम इसमें करेंगे कोफ्ते जो मैंने बनाए थे उसको फ्राई करेंगे। ये देखें, ये कोफ्ते इस तरह के तैयार कर लिए मैंने। ये आपको जो इसमें शेडो नज़र आ रही है वो ऑनियन है, प्याज जो हैं उनके वजह से नज़र आ रहा है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर आपने इसमें कोफ्ते आपने फ्राई करने हैं, ठंडे में नहीं डालना वरना वो फैल जाएंगे सारे। जी नाज़रीन, ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालते हैं। चूल्हा जो है इसको मैंने हल्का कर दिया, बिल्कुल स्लो आग पे मैं फ्राई करूँगा। अभी इनको आपने कुछ भी नहीं करना, इनको ऐसे ही रोस्ट होने देना। जब ये एक साइड से थोड़े ब्राउन हो जाएंगे फिर हमने इसको इसकी साइड चेंज करनी है। जी नाज़रीन, अब हम बनाते हैं कोफ्तों का सालन, कोफ्ता कड़ी बनाएंगे। ये मैंने ऑयल जिसमें कोफ्ते मैंने फ्राई किए थे वही ऑयल है। अब इसमें मैं डालता हूँ ये अदरक और लहसुन जो है इसका जो है 1.5 से 2 चम्मच है खाने वाले, ये मैं इसमें डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले। इससे ये होता है फ्राई करने से कि आपका जो स्मेल है ना उसकी लहसुन की वो ख़त्म हो जाएगी। ये अब मैं इसमें डाल देता हूँ पेस्ट,
ये जो पेस्ट मैंने डाला है, ये प्याज ले लिए थे मैंने, एक प्याली प्याज काट लिए थे, उसको मैंने कर लिया ऑयल में फ्राई करके फिर मैंने इसको ब्लेंडर जो होता है उसमें डाल के साथ में मैंने 3-4 टमाटर डाल दिए और एक प्याली जो है दही की वो डाल के इन सब को मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसमें भूनेंगे अच्छे तरीके से। कोफ्ते जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी मैं आपको रेसिपी उनकी बताऊंगा। हर रेसिपी का अपना टेस्ट होता है, अपना जायका होता है। इस तरीके से भी आप घर में बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब इसको भुनने देंगे, जब ये ऑयल छोड़ जाएगा तो इसमें हम दूसरे मसाले जो हैं वो भी डाल देंगे। जी नाज़रीन, ये देखें मसाला जो है प्याज वगैरह मसाला जो मैंने डाला था उसमें वो भुन गया, अब तकरीबन इसने ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें डालूँगा 1/2 टीस्पून, इसमें मैं डालता हूँ कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें नमक डालूँगा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच ज़ीरा, अब इसको इस तरह से भूनना है। जब भी आप भूनते हैं मसाला तो उसमें साथ साथ आपने जो है इसमें आपने डालते रहना पानी का छींटा लाजमी लगाना है। ये तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको पानी का छींटा लगाता हूँ, ये देखें जी इस तरह से भून रहा है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसने। 3-4 तरीके और भी हैं कोफ्ते बनाने के, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट रेसिपीज़ में बताऊंगा। बाकी जिन व्यूवर्स को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं वो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ में जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। मैं अपने तरीके से बनाता हूँ रेसिपीज़, तो अगर अच्छी वीडियो लगे तो उसको शेयर कर दिया करें सोशल मीडिया पे, इससे होगा कि मेरी हौसला अफज़ाई हो जाएगी। ये लें जी, अब मसाला तकरीबन तैयार है, इसने ऑयल देखें ऑयल अलग हो गया बिल्कुल, मसाला बिल्कुल भुन गया है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ, अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल देता हूँ, ये देखें 1 कप पानी का, जी नाज़रीन ये देखें जी इसका मसाला तैयार है बिल्कुल। मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी पतली रखना चाहते हैं या ज़्यादा पानी उसमें डालना चाहते हैं, शोरबा बनाना चाहते हैं थोड़ा, तो उस स्टाइल में कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो तब भी है। मैंने ये तकरीबन 2 कप जो है वो पानी के डाल दिए थे। ये अब तकरीबन इसकी ये ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार हो गई, ये मसाला इसका जी। अब हम इसमें डालते हैं जो मैंने कोफ्ते तैयार किए थे उनको डाल देते हैं, ये जी कोफ्ते, हमें इसके ऊपर ये सब्ज़ मिर्च काटी हुई थी और साथ में ये जो अदरक बारीक काटा हुआ था इसको मैं ऊपर गार्निश कर देता हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से आपने ये डाल देना है। अब हम इसको छोड़ देते हैं ढकना दे के थोड़ी देर के लिए, और जो चूल्हा है उसको बिल्कुल हमने स्लो कर देना है। जी नाज़रीन माशाल्लाह देखें जी कोफ्ते तैयार हैं बिल्कुल माशाल्लाह, ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने थोड़ा सा इसमें शोरबा रखा है, बाकी आप अगर शोरबा पसंद नहीं करते तो आप थोड़ा सा इसको इसमें पानी कम डालें। बाकी अब हम इसमें डालते हैं ये बारीक धनिया काट के मैंने रखा था, अब ये इसमें डाल देता हूँ, ये ले जी धनिया डाल दिया,
ये जी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे सर्व किसी प्लेट वगैरह में। जी नाज़रीन ये देखें कोफ्ते माशाल्लाह से तैयार हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, आप भी घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं करता हूँ इसमें कि अगर आप साथ में अंडा पसंद करते हैं तो मैंने ये अंडे बॉयल कर लिए थे, ये इस तरह से अंडे को काट के आप इसमें रखते हैं अंडा। ये लें जी, ये जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप भी घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो नाज़रीन उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी, आप घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को जिन हज़रात ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल वाला जो आइकॉन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करें। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।